असलाना बकैनी मार्ग पर पड़ने वाली पुलिया से बह गए वीरेंद्र पटेल नाम के युवक का 24 घंटे बाद शव मिला है। आपको बता दें कि सोमवार को अपनी चाची या भाभी के साथ में बाइक से वह बाढ़ग्रस्त पुलिया को पार कर रहा था। पथरिया से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी भाभी को लेकर वह लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सहित भाभी सहित वह बह गया था, लेकिन भाभी आगे जाकर एक पेड़ को पकड़ने से बच गई थी, जबकि वीरेंद्र का कोई सुराग नहीं लग सका था। उसकी लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन सोमवार को उस रात हो जाने नाला उफान पर होने की वजह से कुछ पता नहीं लग सका था। इधर मंगलवार को आपदा प्रबंधन की टीम दमों से मौके पर पहुंची और उनके द्वारा बोट की मदद से आसपास तलाश की गई। बताया जा रहा है कि ठीक 24 घंटे बाद यानी मंगलवार दोपहर में वीरेंद्र को तलाश कर लिया गया, उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनों की भीड़ मौके पर लगी रही। लोग आपदा प्रबंधन की टीम की कार्रवाई को देखते रहे। लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद उसकी सांसें बाकी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपको बता दें कि युवक वीरेंद्र पटेल मिलनसार स्वभाव का था, वही फोटोग्राफी कैमरेग्राफी का शौक रखता था। यही वजह थी कि उसके चाहने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन जिस तरह से वह हादसे का शिकार हुआ उसको लेकर सभी दुख व्यक्त करते हुए नजर आए। वीरेंद्र का शव मिल जाने के बाद में पुलिस ने अब मर्ग कायम करते हुए जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हालांकि मौत के कारणों का पता लगेगा, लेकिन इस दुखद घटनाक्रम ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। नदी पास में ये मोड़ पे आ गया, क्या नदी के किनारे से सभी लोग सर्च कर ही रहे हैं, पैदल भी कर रहे हैं, उस तरफ भी लोग बैठे हुए हैं वो डैम के पास, तो वहाँ से ले लिया।